हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड प्रपोजिशंस के बारे में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंपाउंड प्रपोजिशंस क्या होते हैं, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ओके गाइस, लेट्स गेट टू द पॉइंट। कंपाउंड प्रपोजिशंस, कंपाउंड प्रपोजिशंस आर जनरली फॉर्म्ड बाय प्रीफिक्सिंग अ प्रपोजिशन टू अ नाउन, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। प्रीफिक्सिंग अ प्रपोजिशन ए एंड बी मीन्स के कंपाउंड प्रपोजिशन कैसे जनरली कैसे फॉर्म होता है, कैसे वजूद में आता है, जब किसी भी नाउन, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब के साथ हम ए या फिर बी का इजाफा करते हैं तो जनरली ये कंपाउंड प्रपोजिशन बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी दी गई हैं। फॉर एग्जांपल, सम कंपाउंड प्रपोजिशंस आर, फर्स्ट पर है अक्रॉस। देखिए यहाँ पर क्रॉस ये एक अलग वर्ड है, ये एक नाउन है क्रॉस। जब यहाँ पर हमने ए लगाया ना अक्रॉस, तो ये क्या है, ये एक कंपाउंड प्रपोजिशन बन गया है। इसी तरह है अलोंग, लॉन्ग एक अलग वर्ड है, एक नाउन है, तो यहाँ पर हमने ए लगा दिया है तो ये अलोंग बन गया है। इसी तरह है अराउंड, राउंड एक अलग वर्ड है, ए लगाया है अराउंड बन गया है, कंपाउंड प्रपोजिशन बन गया है। इसी तरह बी है अलग, हाइट, बिहाइंड, बेलो, बीनीथ, बिसाइड, बिटवीन, बियॉन्ड, इनसाइड, आउटसाइड, अंडरनीथ। ये इनसाइड, आउटसाइड, अंडरनीथ ये भी कंपाउंड प्रपोजिशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ सेंटेंस एग्जांपल्स इनकी देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट पर है वी टॉक्ड अलोंग द ट्रेन, वी टॉक्ड अलोंग द ट्रेन। अलोंग मीन्स साथ साथ, वी टॉक्ड अलोंग द ट्रेन, हम ट्रेन के साथ साथ बात करते थे। सेकंड है ही इज़ हाइडिंग बिहाइंड द वॉल। अब यहाँ पर बिहाइंड जो है ये एक कंपाउंड प्रपोजिशन है, हाइडिंग बिहाइंड द वॉल यानी कि वो छुपा हुआ है, बिहाइंड द वॉल दीवार के पीछे, वो दीवार के पीछे छुपा हुआ है। बिहाइंड यहाँ पर क्या कर रहा है, रिलेशन का काम कर रहा है, रिलेशन बता रहा है ही इज़ हाइडिंग एंड द वॉल का आपस में। थर्ड है कंप्लीट इट बिफोर अ डे, कंप्लीट इट इसे मुकम्मल करो, बिफोर अ डे एक दिन से पहले पहले, इसे एक दिन से पहले पहले मुकम्मल करो। नेक्स्ट है देयर वॉज अ बुक इनसाइड द बॉक्स, देयर वॉज अ बुक इनसाइड द बॉक्स मीन्स कि इनसाइड का मतलब अंदर, बॉक्स के अंदर किताब थी, बॉक्स के अंदर बुक थी, इनसाइड कहाँ थी, अंदर किसके, बॉक्स के। तो यहाँ पर ये अंदर इनसाइड जो है ये रिलेशन बता रहा है देयर इज़ अ बुक और द बॉक्स के दरमियान। ओके गाइस, तो ये था हमारी आज की इस वीडियो में, हमने डिस्कस किया कि कंपाउंड प्रपोजिशंस क्या होते हैं। आपका कोई भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट किया करें, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस किया करें, आपको जवाब भी दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।